सर आज का क्वेश्चन पेपर. थैंक यू. मेंशन नॉट सर. क्या कहा अभी आपने? मेंशन नॉट. वाह शुक्ला जी, आप तो बड़ी अंग्रेजी सीख रहे हैं. चौहान हमको अंग्रेजी बोलना सिखा रही है सर. थोड़ा बहुत तो समझ में आने लग गया है सर. आप देखिएगा, जब तक चौहान का ये डिग्री का कोर्स पूरा होगा ना सर, हम तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे. शुक्ला जी. सर अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तब आप क्या करेंगे? सिंपल है सर, सॉरी बोल देंगे. अब फर्ज करिए कि अगर आपने कभी किसी को बहुत ही बुरा भला सुना दिया और बाद में पता चले कि गलत आप ही थे, तब आप क्या करेंगे? सर वैसे में तो हम खुद ही उस इंसान के पास चले जाएंगे और अपना जूता उतार के ना उसके हाथ में जो है दे देंगे और बोलेंगे कि भाई ये जूता है, इससे आप जो है हमारा माथा फोड़ दीजिए, हमसे हो गया है गलती और आपका जब तक जी चाहे तब तक मेरा जो है ना इस जूता से पिटाई करते रहिए, लेकिन भगवान के लिए हमको माफ कर दीजिए. हमारे गाँव में सर गलती करने वाले के साथ तो ऐसा ही होता है. सर वो सबक सिखाने के लिए सर सबसे उत्तम रास्ता जिसका जूता उसका सर. मुझे मारो सभी, ये रहा मेरा जूता और ये रहा मेरा सर. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सभी, मैंने लिटरली बेवकूफ वाली हरकत की है. मेरे गुस्से ने मेरे अक्ल पे पर्दा डाल दिया था और तुम पे ना भरोसा करके मैंने उस किरण सावंत पे भरोसा किया और उसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया. मैंने जो किया ना वो शायद गलती नहीं गुनाह है और उसके लिए मैं तुमसे कितनी भी माफी मांगू ना कमी होगी. इससे पहले कि तुम मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे मारो. ये लो, ये मेरा जूता, ये मेरा सर, तुम्हें जितना मुझे मारना है मारो, मुझे मेरे किए की सजा दो. नहीं 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 सर, सर सर क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे कि कोई आपको जूता से कूट रहा? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बस वो ऐसे ही कुछ सोच रहा था. सभी यहां आई है इसका मतलब इसने कॉलेज छोड़ने का फैसला कैंसिल कर दिया. सभी मैं बहुत खुश हूं तुमने अपना इरादा बदल लिया और तुम अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट यहीं करोगी इसी कॉलेज में. दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन. अपना इरादा नहीं बदला है सर, बस बीच सेमेस्टर में कॉलेज छोड़ के अपना एक साल बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए सोचा है कि एग्जाम देकर ही रामटेक जाऊंगी. मैं बस यहाँ अपना हॉल टिकट लेने आई थी. ये लो. कॉलेज के पहले दिन में तुमने क्या किया? मेरे कैबिन में आके तुम सो गई, अब मेरे बाबा के घर पे रह रही हो, एसी पे से कूल ले रही हो. तुम ना एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की. ये अच्छे से एग्जाम देना चौहान, बाकी भोलेनाथ तो है ही तुम्हारे साथ. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट फॉर एक्स. क्या करूं, कैसे माफी मांगूं इससे? तुम है किसी के प्यार में. सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर.